सीएम योगी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार और रोड शो करेंगे। राज्य में भाजपा ने अपने सभी बड़े नेताओं को उतार दिया है। जेपी नड्डा, हेमंत बिस्वा सरमा सहित करीब 140 बड़े नेता बीजेपी के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश में हैं। अमित शाह भी आज कई जगह प्रचार करेंगे। जवाब में कांग्रेस ने भी उत्तर भारत से लेकर नेताओं की फौज हर जगह पर उतार दी है। तो भाजपा के स्टार प्रचारकों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल है। तो कर्नाटक में अब देखा जा रहा है सीएम योगी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। इधर यूपी की बात की जाए तो निकाय चुनाव में लगातार मैदान में है और उधर कर्नाटक में भी जनसभाएं की जा रही है सीएम योगी की तरफ से। राज्य निर्वाचन आयोग दूसरे और अंतिम चरण की तैयारी में जुट गया है। दूसरे चरण में 11 मई को 38 जिलों में मतदान होगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी ऑब्जर्वर को जिले में पहुंच करके रिपोर्ट करने का कहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रदेश के 38 जिलों में नगरीय निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रेक्षकों की तैनाती करते हुए ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो पर्यवेक्षक से आज नहीं पहुंचेंगे, जो भी पर्यवेक्षक हैं, तो उन्हें स्पष्टीकरण इस पर देना होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहां पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। निकाय चुनाव में दूसरे चरण की मतदान की तैयारी अब तेज हो चुकी है। दूसरा चरण जो कि 11 मई को है और 13 मई को नतीजे भी इसके सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर निकाय चुनाव में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी जोरों से अब चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेक्षकों को आज रिपोर्ट देने के लिए कहा है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के मतदान की तैयारी लगातार जोरों से चल रही है। बीजेपी ने दूसरे चरण के निकाय चुनाव पर पूरा फोकस कर दिया है। दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ ही सरकार के तमाम मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर नगर और कानपुर देहात, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इटावा, कन्नौज और औरैया, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हमीरपुर, वही महोबा बांदा और चित्रकूट में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री लगातार अब चुनावी मैदान में बने हुए हैं। ब्रजेश पाठक आज 3 जिलों में प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के भाजपा के बड़े नेताओं का दौरा लगातार जारी है। कल बदायूं पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पहले चरण में कम वोटिंग हुई, जो कि ठीक नहीं है। ऐसे में दूसरे चरण को लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहां पर दिया गया है कि कैसे आगे की रणनीति बनानी है। चुनाव में भाजपा की जीत का लगातार दावा किया जा रहा है। दूसरे चरण में 11 मई को चुनाव होने हैं और आज पार्टी ने चुनाव की तैयारी की दृष्टि से सभी नगर निकायों के संयोजक, प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, हमारे संगठन के लोग के बीच में हमने अपनी तैयारियों की समीक्षा की है और चुनाव तक क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं संगठन की दृष्टि से, उसका हमने अपने आप विचारों का आदान प्रदान किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।